हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक स्टिच कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बैक स्टिच का यूज सिलाई में किस हिसाब से होता है वो अब मैं बताती हूँ। इस तरह से धागा लेंगे, डबल धागा लेकर इस तरह गांठ मारनी है और एक साइड इस तरह छोटा छोड़ना है। अब किसी दो चीज़ को जोड़ने के लिए उसका यूज़ होता है। जैसे हम मशीन की सिलाई लगाते हैं उसी तरह एक बराबर कपड़ों को रखना है उल्टी साइड से। ये हमारी सीधी साइड होती है, इस तरह रखकर और फिर जिससे जहाँ जोड़ना है वहाँ से शुरुआत करेंगे। इस तरह किसी भी साइड से ले सकते हैं, ऊपर से भी या नीचे से भी, क्योंकि ये उल्टी साइड है कपड़े की, ये हमारा सीधा होता है। इस तरह से लिया, ये हम सिलाई के पर्पज से यूज कर रहे हैं। इसके लिए बिना ड्रॉ किए ही सिलाई लगा रही हूँ। अगर हमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह बनानी हो तो उसके लिए हम लाइन ड्रॉ करके भी ये कर सकते हैं, इससे लाइन सीधी आएगी। ये देखिए इस तरह, जब भी दो चीज़ को जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है तो जितनी छोटी स्टिच मारेंगे उतना अच्छा रहेगा। इससे भी छोटी हम ले सकते हैं जोड़ने के लिए। देखिए मैं लेकर बताती हूँ। कभी हमारे पास सिलाई मशीन अवेलेबल नहीं होती है और हमें कहीं छोटी सी चीज़ को सिलना होता है, सिलाई उधड़ गई है या कोई भी कारण फिटिंग करनी हो अपनी ड्रेस को, तो हम इस तरह से इस चीज़ से इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह हमारा आगे से दिखेगा और ये पीछे। अब देखिए मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने अभी तक गांठ नहीं मारी है, इस तरह से मजबूत हो जाता है। धागा हमें सेम कलर का ही लेना है, कोई भी सिलाई का काम करते हैं तब। अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो हम अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं, पर सिलाई करते समय धागा हमें मैचिंग का ही लेना चाहिए। ये आप लोगों को समझ में आ सके इसलिए अलग कलर का धागा लिया है। इस तरह से अब जहाँ हमें ख़त्म करना है वहाँ इस धागे में से निकाल कर इस तरह गांठ मार देनी है। एक से भी हो जाएगा, अगर हम मजबूती करना चाहते हैं तो हम डबल भी कर सकते हैं इस गांठ को। देखिए अब बस यहाँ से कट कर लीजिए। तो ये थी आपकी बैक स्टिच। ये सिलाई के पर्पज़ से मैंने दिखाई है, इसके लिए बिना फ्रेम ही इसको आपको करना सिखाया है। अगर हमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह करनी हो कहीं और डिज़ाइन लगानी हो तो हम इसका यूज़ उस हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके लिए धागा लेने का तरीका अलग होता है और कपड़े को फ्रेम में फिटिंग करके एम्ब्रॉयडरी की जाती है, वो मैं आपको एम्ब्रॉयडरी वाले ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।